क्या लगता है तुम्हें, आज बारिश आएगी? नहीं नहीं आएगी? नहीं। मुझे तो लगता है आज बारिश आएगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है आज। बारिश आए ना आए, पर तुम तो बारिश में भीग चुकी हो, तुम्हारे तो बाल बिल्कुल गीले हो रहे हैं। आज तो दिख रही है बिल्डिंग। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टाइम हो रहा है सुबह के 11:15। मौसम यार कभी धूप निकल रही है, कभी छाव हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी छाव हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश होगी कि धूप निकलेगी। खैर जो भी होगा, हम तो अपना दिन एंजॉय करेंगे। सिस्टर की वेडिंग है नेक्स्ट वीक 13 फरवरी की, उसकी वेडिंग है रुड़की में। सब वहाँ जाएंगे, थोड़ा वहाँ एंजॉय करेंगे पूरी फैमिली के साथ। मेरी बुआ की बेटी है, एंड सेकेंडली अभी परसों उसकी सगाई है। परसों जो आने वाला दिन है, परसों उसकी सगाई है। पता है डांस परफॉर्मेंस भी करनी है और मैंने अभी तक कुछ रेडी नहीं किया है, कुछ पता ही नहीं कि कैसे करनी है। अब कैसे करूँगा डांस परफॉर्मेंस ये नहीं समझ में आ रहा, ना प्रैक्टिस करिए ना कुछ करिए। आज रात को प्रैक्टिस करूँगा। है हमारे यहीं नोएडा में ही, मतलब ग्रेटर नोएडा में वो इवेंट है और शादी रुड़की में है, तो हमें रुड़की के लिए निकलना है। मैं सोच रहा हूँ रुड़की तो जा ही रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश आ जाएगा, तो साला एक ट्रिप भी मारी है। देखते हैं क्या होता है, पूरी फैमिली साथ रहेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखो अभी धूप निकल आई, अभी तक ऐसे ही हो रहा था, अब धूप निकल आई। नोएडा में भी ना कुछ चलता रहता है। पहले यहाँ बिछाई थी हरी घास, अब घास उखाड़ दी, अब यहाँ लगा रहे हैं पत्थर वाला वो परमानेंट जो फुटपाथ सा बना देते हैं। कुछ ना कुछ चलाता ही रहता है। यहाँ डाल रखी है रोड़ी, अभी यहाँ भी बनाएंगे। लोकल के टोरेंटो के, लंदन के, बर्लिन के, गया भी है ना, टोरेंटो छोड़ के। 1,80,000 का फोन लगता कैसा है देख तो लो। 1,80,000 का, इतने की तो ये गाड़ी बिक रही है जितने का ये फोन लेके घूम रहा है। 1,80,000 की तो गाड़ी बिक रही है और 1,80,000 का फोन लेके घूम रहा है। 20-30,000 रुपए के चल जाएंगे। बड़ी दिखाइए, ये है अमीरी आदमी की निशानी। 1,80,000 का फोन कहाँ गया? iPhone 13 Pro जेब में पड़ा है। कितने घड़ी कितने की होगी भाई, घड़ी कितने की होगी? ये मुझे पड़ी वहाँ से 40,000। 40,000 की घड़ी है और टायर डलवाने आया भाई, सेकंड हैंड ढूंढ रहा है। अबे 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 बाइक वाला क्या आया, असल प्रेमी है वो। मेरा घर लेके आए अपने जीजा की वैगनआर, भाई साहब वो गाड़ी भी 1,90,000 किलोमीटर चली हुई, उसे भी चलाया जा रहा है। और आगे और ये करा एक वैगनआर होता था, CNG वाली वैगनआर देख ले कोई मिल जाए तो। वैगनआर नहीं छोड़ेगा, वैगनआर प्रेमी है पूरा। पर तेरे पापा ने तो चल पुराना मॉडल लेके नया मॉडल तो खरीदा, वो तो साला वही मॉडल मांग रहा है जो चला रहा था, यही चाहिए यही वाला मॉडल। ऐसी गाड़ी है ना, मेरे पापा को वापस तो बेच देते हैं, स्विफ्ट खरीद देते हैं, वीजा ले लेते हैं, फिर अच्छा देखते हैं। मगर लेके आ गए अगले दिन, पुरानी थी जाके नहीं लेके आ गए। भाई क्या कलेजी है ये, मतलब एक वेटिंग वेटिंग पीरियड होता है ना, तो आदमी स्टेटस सिंबल है, ऑप्शन होता है यार कि अबे ऑप्शन भी, और वो एक हां ये भी है, वेटिंग वाली गाड़ी ली, वेटिंग गाड़ी ली सही में। ये तो जाओ जाके पैसे दो, गाड़ी की चाबी लेके आ जाओ बस। सही है, मतलब ये था कि पापा ने बुक भी करके आ गए इसको, तो चल ये ऑप्शन रहेगा कि मैं बदलवा दूंगा, क्यों दूसरी करवा दूंगा। और भाई वो मौका भी ऑप्शन ही नहीं दिया तेरे पिताजी ने, हट चाबी गए देखे तू चाबी लिया भाई। तेरा ये वाला वैगन आ रहा है मॉडल, ये वाला मॉडल है, इससे पहले वाला है, थर्ड जनरेशन है। इसलिए कंपनी वाले डिटेल ले देते हैं,2014 मॉडल CNG लगी हुई, साफ सुथरी गाड़ी,
मीटर में दिख रहा था 73,000 किलोमीटर। भाई मैं मेरे भी होंगे लगी हुई 73,000, मैंने भी ले ली। लेकर के जैसे मैंने कंपनी में सर्विस प्लेट डाली भाई 1,94,000 पे लास्ट। वो तो वो 24 घंटे का दिन देते हैं कि 24 घंटे में पूछो तो वापस दे, गाड़ी वापस देते मैं कर ले जा भैया इसे, जो लगा मीटर पैक कर रखा है और कह रहा मीटर पैक नहीं करते। बहुत दूर नहीं जा रहा कहीं, अंदर जा बहुत देर नहीं होगी घूमते घूमते जाना था। क्या तरीका है भाई, मोबाइल नंबर ऐसा लिख दो अपना, स्टिकर स्टिकर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यार ये वाली लोकेशन बताई, मैं आ गया। यहाँ पे आके पता लग रहा है लोकेशन चेंज है, कोई और लोकेशन पे नंबर आ रही है। मिलते हैं आज ऑफिस में, नहीं आज परसों फंक्शन है ना हमारे घर में, तो थोड़ी सी तैयारी मेकअप शेकअप करवा रही है। मेकअप करा पता नहीं यार, लेडीज हो का या लड़कियों का मैं क्या पता यार, आई तो पूछता हूँ क्या कराया। आइए आइए, अरे तुमने कहा इस लोकेशन पे आ जाओ, मुझे ये ध्यान था तो मैं आ गया। कोई बात नहीं, चलो। क्या कराया वैसे तुमने, कुछ थ्रेडिंग कराई है? थ्रेडिंग कराई है। लग तो नहीं रहा, कुछ चेंज तो नहीं लग रहा मुझे, देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे सो गई थी। हमें एक जगह है मालपुआ, मालपुआ वो करके, वहाँ पे पता गोभी मंचूरियन बैन कर दिया। गोभी मंचूरियन बैन है उधर, आप गोभी मंचूरियन खा नहीं सकते हो। बाकी सरकार ये कह रही है कि गोभी मंचूरियन को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, अजीनोमोटो हो गया, कई कई लोग वॉशिंग पाउडर भी डाल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो उसमें जो सॉसेज डालते हैं वो फ्रेंडली नहीं होती, तो वो सब की वजह से गोभी मंचूरियन ही बैन कर दिया। मेरे हिसाब से तो परमल की उसको बैन कर देना चाहिए, परमल की सब्जी मुझे तो नहीं अच्छा। कुंदरू को भी बैन कर देना चाहिए। टाइम हो रहा है 8, हम निकल रहे हैं मीटिंग के लिए। देखो मेरा बैग, मेरा ऐसे नहीं होती वेडिंग प्लानिंग, जाना पड़ता है 8-8 बजे भी। ये बेचारी रोड पे बंद हो गई रेड लाइट पे, और इसकी वजह से कोई नहीं निकल पाया बेचारा। तो बेचारा क्या करे, इतनी बड़ी गाड़ी लेके कहाँ जाएगा, आके अटक गया उस रेड लाइट पे। पता नहीं क्या हुआ, मतलब उस रेड लाइट पे जो हमारी वाली लाइन थी हम चल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं उस रेड लाइट पे इस समय पे ग्रहण लग गया है, क्या हो गया, शनिवार ही हो गया उस रेड लाइट का, भगवान ही जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से निकल पाया। टाइम हो रहा है 10:45, और अब निकला हूँ मीटिंग से। लास्ट टाइम पता जब मैं आया था ना, तो मेरे को एग्जिट करनी थी इस गेट से, और मैं ना पूरी सोसाइटी का चक्कर ले करके आया था। मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ, यहाँ से निकल के मुझे जाना था यहाँ, मैं गाड़ी लेके गया यहाँ से पूरा घुमा के पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा के, फिर मैं आया यहाँ से, और यहाँ से आके मैं ऐसे निकला। सो इस बार मुझे पता है कहाँ से निकलना है, तो इस बार बड़ा लंबा चक्कर नहीं लगाऊंगा, शॉर्टकट में निकल जाऊंगा। पिछली बार तो मैं घूमता ही रहा कहाँ से निकलूँ, और लौट के बुद्धू घर को आया, वो वाली कहानी हो गई थी मेरे साथ में। क्या ये भी कह सकते हो बगल में छोरा शहर में डंडोरा वाली बात हो गई थी।